फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं इजहार और आप देख रहे हैं इजहार सबको। दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। 14 फरवरी का जो दिन गुजरा, हम और आपके लिए बहुत ही दर्दनाक और अफसोसजनक दिन रहा। हमारा देश का 44 जवान शहीद हो गए। आखिर वजह क्या था? जम्मू कश्मीर के एक जिला जहां से हमारे देश के 2500 लगभग CRPF फौज गुजर रहे थे, एक हाईवे से अचानक उस हाईवे में जैसे मोहम्मद का एक आतंकवादी आते हैं कार में, जिसमें लगभग 200 किलोग्राम विस्फोट रखा हुआ था, और CRPF की गाड़ी को ठोकर मारती है। और उस गाड़ी में लगभग हमारे देश का 70 CRPF जवान थे। 70 में से 44 को स्पॉट डेथ हो गया और 20 इंजर्ड है। ये इतना बड़ा हमला हमारे देश का CRPF पे, और इस हमला के बाद तरह तरह की प्रतिक्रिया राय आ रही है कि हम लोग हमला करेंगे, मुंह तोड़ जवाब देंगे। मुंह तोड़ जवाब बाद में देंगे, पहले ये बात आप लोग, हमेशा कभी उड़ी में हमला होता है, कभी श्रीनगर की घाटी में हमला होता है, कभी कहीं कहीं और, कभी हम लोग पाकिस्तान धमका देता है, कभी हम लोग को चीन धमका देता है। कब तक हम लोग इस धमकी से डरेंगे? हम लोग के पास इतना ताकत होने के बावजूद, हमारा भारत देश इतना विशाल होने के बावजूद, इतना मिसाइल होने के बावजूद, CRPF जवान होने के बावजूद, आर्मी होने के बावजूद, पुलिस होने के बावजूद, क्यों हम लोग आतंकवाद का हमेशा शिकार होते रहे हैं? शिकार होने का सबसे बड़ा जो दर्द पहुंचता है वो मेरी माँ बहनों को पहुंचता है, जिनका वो बेटा होता है, भाई होता है। हम लोग देश के हीरो मानते हैं बॉलीवुड इंडस्ट्री के लोगों को, लेकिन असल जिंदगी में हमारे देश का वो हीरो है जो हमारा सरहद में हमारे रक्षा के लिए 24 घंटा खड़े रहते हैं। उन्हीं लोगों की वजह से हम लोग दिन रात में चैन की सांसें लेते हैं, लेकिन कभी हम लोग उन लोग के बारे में नहीं सोचते हैं। और एक आतंकवादी का होता है हमारे देश का मासूम जवान शहीद हो जाते हैं। कब तक होता रहेगा ऐसा? हमेशा यही बात होते रहा है कि मुंह तोड़ जवाब देंगे, लेकिन हमारा देश का आज जनता चाह रही है कि इंसाफ मिले। घर में घुस करके मारे, पाकिस्तान के पास उतना आबादी नहीं है जितना हमारे उत्तर प्रदेश और बिहार में है। चाहेंगे तो हम लोग उसको चुटकी में मिला देंगे, लेकिन क्यों सरकार है, क्यों हमारे देश के जो ऊपर के अफसर हैं अभी तक अटैक करने से टाइम लगा रहे हैं? जल्दी मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए और जल्द से जल्द हम लोग को इंसाफ मिलना चाहिए। और सबसे निवेदन है कि मेरा इस वीडियो को पूरा देश में फैला दें, ताकि सबको ये सब बातों का ज्ञान हो। और दोस्तों, साथ ही अगर मेरे चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, क्योंकि रोज एक नया और इंटरेस्टिंग वीडियो आपको, जो कि नॉलेजेबल अमेजिंग फैक्ट्स वाला होता है। क्योंकि मेरा वीडियो आप अगर देखिएगा तो नया बात आपको रोज न रोज कुछ बातें ऐसी होगी जो कभी आपने कहीं नहीं सुना होगा, लेकिन आपको इस चैनल में देखने को मिलेगा, सुनने को मिलेगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों, मेरा पसंद आया तो लाइक करें, नहीं पसंद आया तो डिसलाइक करें, साथ ही मेरे वीडियो को शेयर कर दें। और फिर से एक बार आपसे निवेदन करना चाहूंगा दोस्तों कि मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।